हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स एंड गाइस हियर विद द ऑल न्यू 2024 क्लासिक 350 विद न्यू अपडेट्स चेंजेस। क्या नई चीज़ें मिले हैं और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे भाई अपने ओल्ड से। अभी आपके सामने ओल्ड भी खड़ी हुई, दोनों स्टील ब्लैक सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाली कलर में से दोनों एक है। वैसे दोनों सेम है, तो अभी हम लोग कंपेयर करने वाले ओल्ड वर्सेज न्यू। क्या भाई आपको नए में मिलता है जो पुराने में नहीं मिलता था। ऑन करते हैं, सबसे पहले आप लोग टर्न सिग्नल तो देख ही लिए होंगे भाई। न्यू वाले में LED आता है, ओल्ड वाले में आपको हैलोजन देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे अगर आप पायलट लैंप देखेंगे तो यहाँ पे आपको LED मिल जा रहा है और यहाँ पे आपको हैलोजन। तो फ्रंट में पहले पूरा हैलोजन सेटअप आता था, पूरे ही तरीके से LED सेटअप फ्रंट में कर दिया गया है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड LED सेटअप, स्प्लिट LED लाइट्स मिल जाते हैं। एंड गाइस, पहले कुछ गाड़ी तो पूरी ब्लैक ही थी, लेकिन कुछ आपको रेड कलर की फिनिशेस, लाइक अगर आप एलॉय पे देखते थे तो ग्राफिक्स मिल जाती थी, टैंक पे रेड कलर की पट्टी मिल जाती थी, साइड में गाइस आपको रेड कलर का चीज़ें मिल रहा था, तो ये सब कुछ मिल। लेकिन अगर आप न्यू वाला देखेंगे गाइस, पूरी जिसको जैसे आप लोग कार में बोलते जेड ब्लैक पूरी अपनी भाई क्लासिक 350, जहाँ पे लोगो, टैंक पूरा गाइस, इंजन, एग्जॉस्ट, सब चीज़ ब्लैक है। कहीं भी ब्लैक के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आप इसको देखते हैं तो भाई। फ्यूल लोब यहाँ पे क्रोम में दे दिया गया है थोड़ा सा भाई, मतलब पूरी गाड़ी ब्लैक तो थोड़ा सा इसको दे दिया गया है। तो बाकी ये डिफरेंस था भाई। एंड अब मीटर कंसोल में देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको गाइस मिल जा रहा है अपना ट्रिपर, जो कि आपको पुराने वाले में ट्रिपर नहीं मिलता, जो कि गूगल से बिल्ट है। और यहाँ पे गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर दे दिया गया है, तो ट्रिपर और गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर पुराने में नहीं आता था। और यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट दे दिया गया है भाई, आपको दिखेगा नहीं लेकिन दिया गया है। और गाइस यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो अपने को जो लीवर्स है वो आपको एडजस्टेबल दिया गया है, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं भाई। अगर हम लोग पुरानी की बात करें तो ओल्ड वाली में देख रहे हैं तो गाइस यहाँ पे पूरा हैलोजन सेटअप में लाइट आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो इधर गाइस अपने को मीटर कंसोल को देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिपर नहीं मिलता है गाइस, यहाँ पे आपको ट्रिपर नहीं मिलता और ना ही गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर मिलता है। ट्रिपर गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर नहीं आता है। और यहाँ पे टाइप ए पोर्ट आता है, वहाँ पे टाइप सी पोर्ट्स आ रहे थे। यहाँ पे पट्टी उट्टी रेड की आती है, वहाँ बिल्कुल कुछ भी चीज़ें नहीं आएंगी। एंड देन गाइज उसके बाद बात करेंगे, ये भी पूरी ब्लैक में ही आती थी। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की जो आपको भाई देख रहे हैं तो ग्राफिक्स मिल रही है ये सिल्वर में, वहाँ पे पूरी ब्लैक आती थी। बाकी और डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो भाई यहाँ पे वही ग्राफिक, बाकी मीटर कंसोल, व्हीकल की डायमेंशन, प्राइसिंग की वगैरह अगर बात करेंगे तो 5000 का प्राइस डिफरेंस आपको मिलेगा, ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब आपको कंटिन्यू मार्केट में अब यही रहेगी, ये किसी के पास अवेलेबल है तो बिल्कुल आपको मिल जाएगी भाई। बाकी ये आपको ऑन रोड कॉस्ट करेगी 282,000 तक, प्राइस डिफरेंस ये है। बाकी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करेगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करेगा, ऐसी बाइक से इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपनी से पाने के मिलता होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ ही, टेक केयर, बाय बाय।